गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? अंग्रेजी की क्लास में फिर से आपका स्वागत है। कल तक हमने पास्ट सिंपल टेंस पढ़ लिया था, अब आज हम पास्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम इसकी पहचान करेंगे। पहचान होती है हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी, आदि शब्द आते हैं। अब हम इसका रोल नंबर एक पढ़ेंगे। रोल नंबर एक, इस टाइम में वाद तथा वर्ग का प्रयोग करते हैं। नंबर एक, वाद का प्रयोग।
सबसे पहले मैंने किसी को पहचान नहीं है, हिंदी भाषा में मैं रहा था, वैसे वैसे याद सकता था। रोल नंबर दो में मैंने आपको रोल नंबर एक में एडमिट कर बताई है बात सीधा बंदा प्रयोग कर बात का प्रयोग में बताया था कि कार्य में तथा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं, वर्ग का प्रयोग सब्जेक्ट तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं। और रोल नंबर दो में मैंने लिखा है जैसे दूसरा एग्जाम वे समय
अब सीखने को कहते हैं लर्निंग, लर्निंग इसके बारे में प्रार्थना के बारे में बारे में को कहते हैं और प्रार्थना प्रेयर। उस समय दूसरा आता है आपका ठीक है रमेश के समय या रमेश का आराम नहीं कर रहा इसमें हो जाएगा संजय रमेश
रमेश के साथ आएगा बाद, तीसरे एग्जाम पर नौ आराम कर रहा था, आराम दे रहा था, लेकिन गणेश उस समय ठीक है, इसमें सबसे पहले आप उसके कर रहे हैं, सबसे पहले बाद में प्लस ये हमारा इंटरव्यू सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। अब इसका एग्जाम्पल यदि हम देते हैं क्या शूज स्टोर है, सीख रहे थे, दूसरा एग्जाम्पल क्या है, भोजन दे रहा, भोजन कर रहा था, ये सेंटेंस है हमारा मतलब एग्जाम। तो इसमें सबसे पहले हमको सिंपल सेंटेंस बनाना है कि आपको छुपा करके तुम शू स्टोर में सीख रहे सब्जेक्ट हो गए, तुमको कहते हैं यू, यू के साथ बात करते
अब आ जाओ इस पर, इसमें भी कोई काम करना है क्या? वो भोजन कर रहा था, सब्जेक्ट हो गया ही, ई के साथ आया पार्ट, भोजन कर रहा था, आराम कर रहा था, एक बात है तेरी मी बेटा, अब देखिए आप, ये हो गया हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब हम बात करते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, चौथा सेंटेंस इंटरोगेटिव नेगेटिव। इसका जो एक्सप्रेशन होता है सबसे पहले बाजवा प्लस सब्जेक्ट प्लस तीसरे एग्जाम्पल ग्राउंड प्लस वर्किंग बैकग्राउंड प्लस आईएनटी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इसका एग्जाम्पल देखो क्या काम दीजिए, प्रार्थना पर भाषण नहीं दे रहे थे। तो देखिए आप, सबसे पहले इसमें आप सब्जेक्ट देखो, सब्जेक्ट हो गया गांधी जी, गांधी जी एक नजर करता है तो आया बाहर, तीसरे स्थान पर नोट आएगा क्योंकि सेंटेंस में नहीं का प्रयोग हुआ है। नोट के बाद हमको वर्ड है, वर्ड को का मतलब गिविंग, डी आई पी आई एल टी गिविंग लिख लो या डिलीवरी की से जाएगा, डी ई एल आई टी ई आर आई एल टी डिलीवरी भी बोल सकते हैं। जिस पर प्रार्थना पर भाषण, प्रार्थना पर भाषण को कहते हैं डिस्कॉर्ड ऑफ प्रेयर। इट इज नॉट ऑन प्रेयर, इट मीन्स होता है प्रार्थना पर भाषण। क्या तुम अपना कार्य नहीं कर रहे थे? तो इसमें सब्जेक्ट हो गया तुम, तुमको कहते हैं यू, यू के साथ आएगा पर, तीसरे स्थान पर आएगा नोट, कार्य करने को कहते हैं डूइंग, अपना कार्य अपने को कहते हैं यू का विदेशी बनाओ, यू का विदेशी बन जाएगा यू पर,
आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, आप हम अगले टाइम की चर्चा आप कल करेंगे। जय हिंद, जय भारत।